कंप्यूटर स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम विंडो स्टार्ट बटन पे जाते हैं। देखिए यहाँ पे आपको कर्सर दिख रहा होगा स्टार्ट। स्टार्ट करने के बाद अपने यहाँ पे एमएस वर्ड का एक ऑप्शन होता है। अदरवाइज अपने आपको ये पता होना चाहिए कि आप कौन सी विंडो में काम कर रहे हैं, विंडो 10, विंडो 11 या विंडो 7। जो भी है अपन यहाँ पे विंडो का जो एमएस वर्ड होता है इसको हम ओपन करते हैं। ओपन कैसे करते हैं पहले आइए हम वो देखते हैं। स्टार्ट बटन पे जाएंगे, यहाँ से अपना एमएस वर्ड ऑप्शन ये दिखेगा, यहाँ से अपन एमएस वर्ड को प्रोसेस को ऑन करेंगे। उसके बाद ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स क्लिक एंड ये अपने पास एमएस वर्ड का फॉर्मेट ओपन हो गया। पहली बात तो यह है कि जो एमएस वर्ड होता है इसकी जो ये डॉक्यूमेंट ब्लैंक डॉक्यूमेंट दिखता है इसको हम डॉक्यूमेंट भी बोलते हैं, लाइक पेज, इस पेज को हम डॉक्यूमेंट्स बोलते हैं। पहले अपन इनकी इसके बारे में हम जान लेते हैं। इनको अपन टैब बोलते हैं, इनके अंदर जो होता है उसको टैब पैनल्स बोलते हैं, इसको रूलर बार बोलते हैं। कर्सर अपना जो ये ब्लैंक करता है इसको अपन कर्सर बोलते हैं। ओके, ये एमएस वर्ड की जो फर्स्ट डॉक्यूमेंट है इसको ओपन करने की प्रोसेस है। उसके बाद यहाँ से हम क्रॉस करेंगे तो ये बंद हो जाता है। दोबारा से हम एमएस वर्ड ओपन करने का क्या होता है, विंडो आर, जब विंडो आर की प्रेस करते हैं तो हमारे पास ये फॉर्मेट रन कमांड ओपन होती है। यहाँ पे हम डालते हैं विन वर्ड करते हैं, उसके बाद हम ओके या फिर एंटर प्रेस करके हम एमएस वर्ड यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। ब्लैंक डॉक्यूमेंट रिटर्न ली। ओके, सबसे पहले आज हम यही सिखाएंगे आपको, यहाँ से अपन इसको जूम आउट कर सकते हैं। ओके, ये आज नॉर्मली अपन आज ये सीख रहे हैं। आगे की आपको वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।